स्कूल के एमडी हमारे बहुत ही सम्मानित श्रीमान जगदीश पांडे जी, अपने इस स्कूल के सम्मानित प्रधानाचार्य, सभी अध्यापकगण और समस्त स्टाफ मेरे मध्य सामने हमारे वरिष्ठ जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, कैप्टन हरिप्रसाद रोहित जी, आदरणीय जेपी लकेड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता केमचंद गुप्ता जी, हमारे बुद्धिवल्लभ जोशी जी, सुभाष तरानिया जी और हमारे यहाँ पर पार्षद, इस क्षेत्र से हमारे वार्ड नंबर 92 श्रीमान गोविंद गुसाई जी, हमारी 93 की पार्षद जीना रतुड़ी जी, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के सदस्य श्रीमान सुखदेव फरसवान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान सुरेश उनियाल जी और अपने विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्रधानाचार्यगण, समस्त स्टाफ और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चे,
वास्तव में अब जेपी पांडे जी के बारे में क्या कहना हम सब लोग जानते हैं। जेपी पांडे जी हमारे इस क्षेत्र में, आपने इस जिम पाइनर स्कूल की स्थापना कर और वास्तव में जिस प्रकार अंधेरे से उजाले की ओर एक दीप से हजारों दीप जलाने का काम इस शिक्षा के माध्यम से आपने इन बच्चों का भविष्य सवारने के लिए, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और संस्कारों से सहित जो शिक्षा आपके माध्यम से, जिम पाइनर स्कूल के माध्यम से दी जाती है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में बहुत अच्छा, अभी यहां पर हम सब लोग देख रहे थे और जितने भी अभिभावकगण बैठे हैं, मैं सोचता हूं कि आपकी भी सबकी इच्छा ये होगी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों के माध्यम से आप प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो कितने अनुशासन में और कितने सुंदर ढंग से उनकी प्रस्तुति किससे लगता है? स्कूल का अनुशासन, हमारे आदरणीय गुरुजी यहाँ बैठे, दिनेश ध्यानी जी, ताजोर भाई बैठे हैं, मैंने कहा ना विशंदी कुटियाल जी बैठे हैं हमारे, यहाँ जहाँ नजर पड़ेगी, इससे लगता है स्कूल का अनुशासन। और अनुशासन के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई, और मैं जिम पाइनर स्कूल के एमडी पांडे जी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि आप शिक्षा के साथ साथ समाज के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपकी बहुत बड़ी सहभागिता है, क्या वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो नशा से संबंधित कि हमारे युवा नशे की ओर किस तरफ जा रहे हैं और आप प्रस्तुति उनके माध्यम से आप उनको प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार नशे से हमारा युवा समाज, हमारे युवा साथी बचे, और चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मतलब समाज के आपके जो समाज में आप अपनी योगदान, अपनी भूमिका अच्छे कार्य में लगाते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और वास्तव में आपके इस स्कूल के बारे में मैंने कहा ना, कहना बहुत, कहते हैं कि जैसे सूरज को रोजी क्या कहते हैं कि रोशनी दिखाना, इस प्रकार अपने जिम पाइनर स्कूल के एमडी पांडे जी के वैसे में कहना कि उसी तरह होगा, क्योंकि निरंतर आपको एक चिंतन रहता है। कई बार आपकी मेरी जब वार्ता भी आदरणीय कैप्टन हरिप्रसाद पुरोहित जी, हम लोगों ने जब आप चर्चा की, तो वास्तव आपकी चिंता हमेशा रहती है कि मेरे क्षेत्र का बच्चा किस प्रकार अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने क्या नाम से पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़े और किस प्रकार समाज में अपना योगदान दे, ये आपकी हमेशा चिंता रहती है। और मैंने कहा कि जिस प्रकार आप के माध्यम से अनेक प्रकार के विषय पर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और वास्तव में अभिभावकगण यहाँ पर बैठे हमारे अनेकों स्कूल से आए हुए हमारे प्रधानाचार्यगण, हमारे एमडी महोदय, कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, कालाजी वगैरह बैठे हैं, और वास्तव में अभिभावकगण भी ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज की सेवा करे। और वास्तव में आज के युग में जो प्रतिस्पर्धा का युग है, हमने देखा बच्चे कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा से अनुशासन में रहकर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, और प्रतिस्पर्धा की भावना होनी भी चाहिए कि अच्छे कामों के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, और जो बच्चे इन कार्यक्रमों में या जो भी स्कूल का जो रिजल्ट 98 से लेकर 93 तक बताया गया है, मैं उन बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं, पांडे जी को भी शुभकामनाएं देता हूं, उनके अभिभावकगणों को भी शुभकामनाएं देता हूं, और इस आशय के साथ कि जो बच्चे इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जो बच्चों के मार्क्स कुछ कम है, मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी कि अगली बार मैं प्रथम आऊं, क्या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो
क्या वो स्कूल के रिजल्ट के मामले में क्लास में प्रथम आने की बात हो। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पांडे जी को ईश्वर और शक्ति प्रदान करें, आप दीर्घायु हो और आपकी हमें भी आवश्यकता है, हमसे मतलब समाज को आवश्यकता है, कामों में समाज को आप जैसे बुद्धि वाली व्यक्तियों की आवश्यकता है। आदरणीय कैप्टन हरिप्रिया पुरोहित जी बैठे हैं, आप भी हमेशा समाज के लिए चिंतन और मनन करते रहते हैं हमेशा। लेकिन मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि भाई हमारा थोड़ा सा संवाद स्कूल मैनेजमेंट के साथ रहना चाहिए। तो कभी कभी होता है कि हमने अपने बच्चे को स्कूल तो भेज दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन हम कभी कभी स्कूल मैनेजमेंट से संवाद नहीं कर पाते। एक बार करते होंगे जब पेरेंट्स मीटिंग होती होगी, लेकिन हमें पेरेंट्स मीटिंग के अलावा भी स्कूल मैनेजमेंट का संवाद करना चाहिए कि हमारे बच्चे की क्या एक्टिविटी है, क्या हमारा बच्चा डेली स्कूल में आ रहा है, और निश्चित रूप से जब हम ये काम करें तो हमारे बच्चे के अंदर कुछ कमियां होंगी। स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स जब दोनों मिलकर, जब दोनों में संवाद होगा, तो निश्चित रूप से उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अभिभावकों से निवेदन है एक बार पुनः, क्योंकि मैंने कहा कि इच्छा थी कि पूरे समय कार्यक्रम देखूं, एक बार जेबी पांडे जी को बधाई देते हुए, आपके समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए, और यहाँ पर जो अभिभावकगण आए हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य मंगलमय हो, उज्ज्वल हो, ये आगे बढ़कर अपनी शिक्षा पूर्ण कर समाज के लिए कुछ काम करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Your words means a lot to not only me, to all of the students who are present here and attending this annual function. I also extend my heartiest welcome to Neelkanth Bhatt ji, who is the chairman of Defence Public School. It depicts activities such as walks and courtships. 150 dancers creatively express their cultural diversity by showcasing four dances. The culture of Nepal is intertwined with the culture of the border Indian subcontinent and Tibet. The cultural heritage of Nepal has evolved over the centuries. The multidimensional heritage bounds the diversity of Nepal ethnic, tribal and social groups, and it expresses music and dance, art and craft, folklore and folk tales, languages and literature, philosophy and religion, festivals and celebration, foods and drinks, etc. Its culture is mostly influenced by Indian culture and Tibetan culture. Famous Tharu stick dance and the crazy peacock dance are two highlights, but there are plenty more other surprises. So it's time to call a Nepali dance group on the stage to take us to the culture of Nepal. Please welcome them with a big round of applause.
Thank you.
depiction of complications and emotions surrounding today's myth. The hall got all grave and quiet. Don't worry, our next dance performance won't let you feel so. It will completely metamorphize your mood. Doesn't dance make one blissful? Doesn't it free you from every damn care? Dance like no one is watching and just reveal it in sensation. It does not matter whether you have learned dancing or not, whether you have taken any professional training or not. What is most important is that your heart loves to dance. Now, this dance form is thought to be the most elegant and the most graceful dance form ever that incorporates various striking postures, movements and hypnotic formations which captives the watchers from their heart, leaving them watching for more and more. Our next presentation is going to be a surprise for all. So please welcome Surprise Dance Group on the stage with a huge round of applause. Shri Karam Mahagabali Sampadeshi Rojagavya Vastu Dhamma.